Welcome back to my channel again. This is Kea. So this is my fourth vlog, and for this vlog I'm going to show you guys how to make five layer bean dip and a taco. That's our dinner for today. So let me show you how to make it. Let's get started. So pehle ये मैंने बीन्स लिए हैं बॉईल किए हुए. अभी तक मैंने इसमें कुछ भी डाला नहीं है, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ. इसमें हम पहले डालेंगे सॉल्ट. ज़्यादा सॉल्ट नहीं डालना है क्योंकि फिर हम इसमें टाको सीजनिंग भी डालेंगे तो उसमें भी आएगा. तो पहले थोड़ा सा, फिर मैं इसमें डालूँगी टाको सीजनिंग. A little bit of water because मुझे ये कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए. ये अभी बहुत हार्ड है. हम इसको थोड़ा सा अभी पतला करेंगे. तो ये करके मैं अभी इसको डाल दूंगी माइक्रोवेव में फॉर 1.5 मिनट. अभी भी मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा पतला करना है इसको, तो मैं और थोड़ा पानी डालूंगी और फिर इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं रख दूंगी इसको माइक्रोवेव में. I have to take it out when it's, you know, it's only 1.5 minutes. Okay, जब तक हमारा first layer of beans हो रहा है microwave में, तब तक हम उसके लिए second layer ready कर देते हैं. उसके लिए मुझे चाहिए avocados क्योंकि मैं इससे बनाने वाली हूँ guacamole. और फिर इसके लिए मैं डालने वाली हूँ ये grated garlic and 1 diced green chili. Diced tomatoes, salt, black pepper powder. I think अभी इसका 30 seconds में हमको खोल देना है क्योंकि मैंने सिर्फ 1.5 मिनट के लिए रखा था. ये हो गया. इसको निकाल के अब हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे इसको. और फिर guacamole के लिए मैंने ये सब डाल दिया है और फिर मैं इसे अच्छे से मैश कर लूँगी. ओके, सो मिक्स करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा. पर अभी भी मुझे इसमें 2 इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, वो है लेमन एंड कोरिएंडर. थिंक आई एम गोना नीड 1 फुल लेमन बिकॉज guacamole ऑलवेज थोड़ा सा साउर टेस्ट करता है. And coriander. So the this is a frozen coriander, that's why it looks like this. We always keep frozen coriander at home in case we need it when we don't have. So अभी ये guacamole ready हो गई है, मतलब ये इसका second layer है. Third layer के लिए तो ये सेम ही पिज्ज़ा सॉस है जो हम लोग यूज़ करते हैं. वैसे जनरली सब लोग सावर मतलब जो सालसा होता है ना वो यूज़ करता है. हाँ, और फिर लास्ट में हमें चाहिए सावर क्रीम. तो ये 5 लेयर होती है इसमें बेसिकली. तो लेट्स असेंबल द डीप. बीन का लेयर सबसे लास्ट में बिछाऊंगी.
बहुत थिक लेयर नहीं रखना है हमको, पतला पतला लेयर ही रखना है। ओके सो कुछ इस तरह से दिखेगा ये, जब मैं पहली लेयर इस पे रखती है मैंने, और अभी मैं इस पे दूसरी लेयर रखूंगी गुआकामोले की। ओके तो मैंने दूसरी लेयर भी लगा दी इस पे। अभी बारी है तीसरी लेयर की, उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ डेजी का साउर क्रीम, और सेम ही हम इसके ऊपर तीसरा लेयर लगा देंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी भी चीज़ को हमें गर्म या वार्म नहीं यूज़ करना है, हमें सभी को रूम टेम्परेचर या फिर फ्रीज में से निकाल के यूज़ करना है, क्योंकि फिर ये अच्छा नहीं लगता टेस्ट में। ओके सो थर्ड लेयर भी लग गया है, अभी बारी है फोर्थ लेयर की, जो है ये टमाटो सॉस। ओके सो मैंने चीज़ भी रख दिया है इसके ऊपर, और लास्ट में हम गार्निश करेंगे थोड़े से ब्लैक ऑलिव से। यू कैन सी द लेयर, whole five different layer, and हम इसको सर्व करते हैं चिप्स के साथ। मैं आपको दिखाती हूँ कौन सी वाली चिप्स वो भी। ओके सो दिस इज द चिप्स दैट वी आर यूजिंग, इट्स कॉल्ड ऑन द बॉर्डर थर्ड टोर्टिया चिप्स। सो अभी हमको ये चिप्स को इसमें सिर्फ डिप करना है और फिर एन्जॉय करना है। और आज की मेरी दूसरी रेसिपी है taco, that's also very easy, it's kind of same ingredients and everything, jaise ki hum south indian mein karte hai, matlab sambar batter sab kuch same hi hota hai, waise mexican mein bhi sab kuch same hi hota hai, sirf aapko assemble karne ka uska tarika alag hota hai. So let's see how to make a taco. तो स्टार्ट करते हैं टाको बनाना। उससे पहले मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स दिखा दूँ। ये सेम ही है, मतलब टमेटोज, अनियन, डिफरेंट काइंड ऑफ पेपर्स, देन चीज़, टाको सॉस जो हम ये वाला यूज़ करते हैं ऑर्टेगा का, बीन्स का मिक्सचर वो भी सेम ही है, और ये मिसन की टोटियास। पहले हमको ये टोटियास को भी एक एक करके थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा गर्म करना है। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक इसको गर्म करने के लिए रख दिया है, और फिर थोड़ा थोड़ा सा ही हल्का ही गर्म करना है, जैसे कि ये थोड़ा सा टोटिया सॉफ्ट हो जाए। ओके एंड थोड़ा सा कैप्सिकम एंड अनियन का मिक्सचर, टमेटोस, टाको सॉस एंड चीज। चीज मतलब आपको जितना चाहिए उतना आप डाल सकते हो।
ओके, तो अभी हम इसको बंद कर देंगे और फिर से एक बार पैन में रख देंगे, जब तक कि हमारा चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए तब तक हमें इसको रखना है और गोल्डन ब्राउन होने देना है दोनों साइड से। ओके, सो रेडी हो जाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखता है, गोल्डन ब्राउन कलर का, और ये टोटिया भी हमारी क्रंची हो जाती है और चीज़ भी सब मेल्ट हो जाता है इसके अंदर। तो अभी ये रेडी है खाने के लिए। Okay, so that was it guys. This is what my dinner looks like. If you like my recipe, then please do like, share and subscribe my channel. Thank you. Bhi milte hain hum dusre vlog ke saath. Tab tak ke liye goodbye.